मलाड टीपू सुल्तान के नाम पर मैदान के उद्घाटन पर घिरे मंत्री असलम शेख, भाजपा का विरोध प्रदर्शन एक बार फिर हिंदू मुद्दा गरमाया। मुंबई के मलाड में एक बार फिर से हिंदू का मुद्दा गरमा गया है। बीजेपी ने यहां पर जमकर नारेबाजी की। दरअसल मलाड के एक मैदान का नाम टीपू सुल्तान रखा गया है। आप देख सकते हैं महाराज शासन वीर टीपू सुल्तान, यह नाम भाजपा कार्यकर्ताओं को रास नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर उन्होंने आंदोलन किया। जल्द से जल्द मांग की गई कि इसका नाम बदला जाए और इस आंदोलन में नगर सेविका योगिता कोहली, बीजेपी के नेता सुनील कोहली, बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद थे जिन्होंने यह धरना किया। आपको बता दें, इस आंदोलन में उन्होंने यहां के स्थानीय आमदार असलम शेख को आड़े हाथों लिया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। स्थानीय नेता सुनील कोहली ने असलम शेख के ऊपर आरोप लगाया कि यह नामकरण पूरी तरीके से अनऑफिशियल है, बीएमसी में इसका कोई भी प्रस्ताव पारित हुआ ही नहीं है। फिर इन्होंने अपनी मनमानी से इसे टीपू सुल्तान मैदान का नाम क्यों दे दिया और आज उसका उद्घाटन भी होने वाला है। पुलिस से उसे रोकने के लिए निवेदन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सेवन नेशनल, मुंबई। यहाँ जो मैदान है उसको नाम दिया गया है टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान के नाम को भारतीय जनता पार्टी नहीं पूरे भारत के जितने भी हिंदू हैं उसका इस नाम को पूरी तरह विरोध है, क्योंकि टीपू सुल्तान एक आक्रमणवादी था। टीपू सुल्तान ने हजारों लाखों हिंदुओं की खुलेआम हत्या की है, हजारों सैकड़ों मंदिर उसने तस्त नहस किए हैं, और ऐसे जुल्मी और अत्याचारी टीपू सुल्तान का नाम मलाड में किसी भी जगह नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारा ये आंदोलन है। साथ ही साथ हमने पुलिस को निवेदन दिया है कि ये जो आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन का हमारा लक्ष्य एक ही है कि इस जो नाम फलक जो आप देख रहे हैं ये अनऑफिशियली लगाया है। असलम शेख यहाँ के जो मंत्री हैं ये हिंदू और मुस्लिम समाज में पूरी तरह दरार पैदा करना चाहते हैं, लोगों में संघर्ष करना चाहते हैं, इसके लिए नाम दिया है, और इसका किसी भी प्रकार से मुंबई महानगर पालिका में प्रस्ताव पारित नहीं किया है, और इसके लिए पुलिस को आज हमने निवेदन दिया है कि कल इसका जो उद्घाटन होने वाला है उसको आप रोकिए, अन्यथा पूरा हिंदू समाज कल आके फिर से यहाँ संघर्ष करेगा और इसकी जिम्मेदारी पूरी मालौनी पुलिस स्टेशन की रहेगी। सर, इस मामले में क्या महानगर पालिका सहित महाराष्ट्र सरकार को भी आप लोग अवगत कराएंगे और क्या मांग उनके सामने? ऑलरेडी हमने महाराष्ट्र सरकार को पूरी तरह अवगत किया है, और ये जो संघर्ष चल रहा है इसमें पूरा महाराष्ट्र का, पूरा हिंदुस्तान का हिंदू समाज एक होकर इसका विरोध करेगा। जो टीपू सुल्तान का स्टैचू कर्नाटक के जो है वहाँ उनका उखाड़ के फेंक दिया, तो यहाँ महाराष्ट्र में किस काम का है? ये जो आघाड़ी सरकार जो बनी है, विनाशकाली सरकार बनी है, इसका ये षड्यंत्र है। आने वाले मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है, हिंदू मुस्लिम में दरार पैदा करके इस तरह के काम करना ये काम है, और इसको पूरा हम लोग विरोध कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल, अगर इस पे विधायक कर सकते हैं कि मंत्री या कांग्रेस अगर बैक फुट पर नहीं आती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हमने कहा है, हमने जो पुलिस को निवेदन दिया है उसमें साफ लिखा है, अगर ये कल ओपनिंग करते हैं, इसका शुभारंभ करते हैं, तो हम पूरी तरह इसका विरोध करके रास्ते पे उतरेंगे और यहाँ आके संघर्ष करेंगे। पूरा हिंदू समाज एक होके इसके खिलाफ संघर्ष करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।